पर प्रतापगढ़ योगीराज में नहीं सुधर रहा अस्पताल प्रशासन। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में डॉक्टर रहते हैं जिला अस्पताल से गायब। अस्पताल में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष पांडे और अनिल गुप्ता आए दिन अस्पताल में नहीं मिलते, जिससे मरीजों को समस्याओं का काफी सामना करना पड़ता है। जब इंडिया समाचार ने डॉक्टर आरपी चौबे से इस विषय में बात की तो उन्होंने बताया कि आज ड्यूटी पर डॉक्टर मनीष पांडे तैनात हैं। कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन इस मामले में यू टर्न लेता नजर आया। क्या योगी राज में ऐसे ही मरीजों का इलाज करेंगे डॉक्टर? कितनी देर से आप बैठ के इंतजार कर रहे हैं? डॉक्टर साहब है नहीं? आप क्या करने यहाँ पे आए हैं? बच्चे को डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब हमारे तो है ही नहीं थे। कितनी देर से इंतजार करेंगे आप? आपके बच्चेदानी में प्रॉब्लम सर? एक मिनट सर, ये सर जो उल्टी आ रही है, उल्टी के लिए दवा ले सर, वन सेकंड। हाँ बताएं। पूछिए सर, हॉस्पिटल में बाल रोग के डॉक्टर क्यों नहीं बैठे हैं आप? आज क्या नहीं, छुट्टी नहीं है, बैठे रहोगे, कहीं गए होंगे तो हम नहीं बता सकते। नहीं नहीं बैठे हैं, जिससे मरीजों को बहुत असुविधा हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्योंकि छुट्टी नोट किया है डॉक्टर गुप्ता का, तो शुक्ला जी ड्यूटी पे है, लेकिन वो मौजूद तो नहीं है वहाँ। अभी अभी हम नहीं बता सकते कि कहीं उनके सर चैम्बर, उनके चैम्बर बंद है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, उनके चैम्बर में ताला जड़ा था, हमने जाकर और जानकारी हम नहीं दे सकते। अब सीएमएस से पूछ लेंगे तो देंगे, जब आएंगे सीएमएस साहब तो बात कर लेंगे।